घर पे मतलब मैं तो 2010 में आया यहाँ पे, अभी तो उम्र है कम से कम 43 साल। उसके पहले खेती करते थे घर पे। मेरी बात सुनो, मैं आगरा गया, 10 साल के बच्चे को मैंने देखा, उसकी भी ये बीमारी थी। मैंने तो चलो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, एक 10 साल के बच्चे ने क्या कर्म किया जिसके हाथों का ऑपरेशन हुआ। 10 साल के बच्चा भर्ती था मेरे साथ में आगरा, मेरे पास ही बेड था उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में खुद गया नहीं, आगरा बता रहा हूँ मैं आपको। 10 साल के बच्चे के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया मेरी आंखों के सामने, मेरे को बोला बेटा करवा ले। मैंने बीवी को जाके बोला मैं कि हथेली फाड़ते हैं, आगरा जाते हैं नहीं अपन, वहाँ के अधिकारी लोग अपनी हथेली फाड़ के ऐसे उंगलियाँ सीधी करते हैं। तो मैंने बीवी को जाके बोला, जब नई बीमारी लगी, मैं घर घर गया, पूरा शरीर सूझ रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैं नहाया तो मैंने उसको बोला बेटा भाई मेरे कपड़े धो दे। नहीं मैं तो नहीं दूँ, तुम्हारी मम्मी से बोलो। मेरी माँ ने, छोटे भाई की पत्नी ने मेरे कपड़े धोए 13-14 में जब मैं घर पर गया। तो फिर ऐसे घर से मेरे को क्या मतलब, क्या लेना देना मेरे को जमीन जायदाद से? तो भाई खाओ बेटा खाओ, तो क्या मतलब, तो यही बेटे क्या लेना देना अपन को ज़िंदगी से? जहाँ तक यहाँ दाने लिखे हैं वहाँ तक ठीक है, नहीं तो सीताराम, जो होगा नसीब में, ये घर से कोई मतलब नहीं रहा मेरे। तक चल रहे हैं गाड़ी और मैं रोटी दे रही हूँ, वहाँ तक बैठे कोई औरत ही कोई मतलब नहीं रखती। लुगाई भी मेरा साथ नहीं देती, मेरी बीमारी लग गई औरत ने भी छोड़ दिया, तो मेरा दिल बहुत रोता है बाप। जब औरत नहीं छोड़ दिया तो हम किसके लिए जिए, फिर क्यों घर वालों की चिंता करें? ये बहुत खतरनाक बीमारी, मेरे यानी खून झड़ता, ये बिस्तर बांसने लग जाते। फिर मासी जी का, राम जी भला करें इनका, ये बिस्तर पे खून झड़ता मैं, मेरी माँ रो रो के आंधी हो गई। ये तो मासी माँ समान ने साथ देती है, 6-7 साल तक मासी जी मेरे दौड़े साहब, तो मेरे माँ समान माँ ही है। तो इन्होंने बहुत दौड़ भाग करी, इन्होंने इनकी पेंशन भी मेरे खातिर लगा दी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी माँ समान माँ है। आज भी कर रहे हैं, आज भी मेरी बीवी मेरे कपड़े नहीं धोती है, ये धोते हैं। अगर पूर्व जन्म के मेरे पाप गलत होंगे, मैंने कुछ भी किया होगा इस जन्म में, तो मैंने कुछ नहीं किया। जब से वो संभाला तब से मैं मेरे हिसाब से मेरा धंधा करता हूँ। उस जन्म में कुछ कर्म किए होंगे तो आज भुगत रहे हैं, तब सोच रहे हैं इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करो नहीं यार। तो मालिक कल कुछ भी दे, पर मेरे दुश्मन को भी ये बीमारी दी। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। हो सके हमारे, हम भी ने भी गीता जी पढ़ी, रामायण पढ़ी, हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के पाप दोषी हो तो हमको लगी। हम भगवान को भी गलत नहीं कह सकते, हम आपको भी दोष नहीं दे सकते, हम माता पिता को भी दोष नहीं दे सकते। मेरे राम राम करूँ बेटा, आँख इस आँख में लेस डल गया, हाथ काम करते नहीं है, बनता है जो गेट खोल देते, ठीक है मैं हंसी खुशी से रहता हूँ, अपना अपना समय पास करता हूँ। यही गांव है साहब, वो गाँव रेत हमारा, तो यही घर है साहब, जब तक जिएंगे यही रहेंगे, मर गए तो सीताराम।